वेलकम टू पार्कवे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 के बारे में। सो लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले लर्नर्स में बात करूंगी क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 6 क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेंड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ साइंस टेस्ट आर। लर्नर्स इसमें लिखा हुआ है द मार्क्स ऑब्टेंड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। लर्नर्स स्टूडेंट्स को मार्क्स ऑब्टेंड हुए हैं, कोई टेस्ट था उसमें उन्हें साइंस टेस्ट में उन्हें मार्क्स ऑब्टेंड हुए हैं, जैसे कि 85, 76, 90 एंड सो ऑन। सो 100 में से उन्हें इतने मार्क्स ऑब्टेंड हुए हैं। सो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट वन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट। सबसे पहले तो हमें हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स निकालना है स्टूडेंट का, फिर उसके बाद में हमें निकालना है रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड। अब जो मार्क्स ऑब्टेंड हुए हैं हमें उसकी हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। एंड द थर्ड वन इज मीन ऑफ द मार्क्स, मतलब हमें अर्थमेटिक मीन, मतलब जो हमने अभी तक के क्वेश्चंस में कैरी किया है मीन, जैसे हमने निकाला था वैसे ही हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वन की बात करते हैं, हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट। लर्नर्स ये देखिए, यहाँ हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि मार्क्स कुछ इस तरह से हमें दिए हुए हैं। अगर हम इन मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दें तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्क्स अरेंज इन असेंडिंग। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मार्क्स को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, दैट मीन्स सबसे छोटे से बड़े क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर इसमें हम फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे स्मॉल नंबर जो है आई थिंक 39 है सबसे छोटा नंबर। सो 39 आफ्टर दैट 48 के बाद में हम देखते हैं कौन सा नंबर सबसे छोटा है। सो इसको मैं सर्कल करती जाती हूँ, जो नंबर मैंने ले रखी है। उसके बाद में है 56 के बाद में कौन सा नंबर है, 56 के बाद में आई थिंक देयर वॉज एन 76। सो आफ्टर द 76 के बाद में 85 है। 85 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। नो, आफ्टर 76 देयर वॉज एन 81। आफ्टर 56 देयर वॉज एन 75 एंड देन देयर वॉज एन 76 एंड आफ्टर 76 देयर इज 81 एंड 81 के बाद में 85 दो बार है, 85 एंड 85। आफ्टर 85 देयर वॉज एन आई थिंक देयर वॉज एन 90 एंड देन 91। सो लर्नर्स ये हो गया, मार्क्स को हमने सबसे पहले अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में एंड सबसे पहला क्वेश्चन है हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो लर्नर्स में यहाँ आपका सॉल्यूशन लिख रही हूँ फर्स्ट पार्ट का, जो कि हमें क्या दिया हुआ है, हाईएस्ट मार्क्स जो दिए हुए हैं वो कितना है, हाईएस्ट यहाँ पर हाईएस्ट इज 91 एंड द लोएस्ट वन इज 39। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ अवर मार्क्स। तो हम यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं, रेंज निकालनी है हमें। सो रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट, व्हाट वाज़ द हाईएस्ट, 91 माइनस लोएस्ट, दैट मीन्स 56। नाउ द मीन ऑफ एंड मार्क्स। अब मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल करना होगा इन सब का, आफ्टर दैट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ में से डिवाइड करना होगा। सो सबसे पहले हम इस सब का मीन निकालेंगे। सो 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 91 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स देयर वॉज एन 10। सो जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 730 इज डिवाइडेड बाय 10। सो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा एंड द मीन वॉज 73। जो मीन आएगा वो आएगा हमारा 73। सो इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 70, इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 7। द एनरोलमेंट इन आ स्कूल ड्यूरिंग द 6 कॉन्सिक्यूटिव ईयर वॉज एज फॉलो।
लर्नर्स यहाँ इस क्वेश्चन में बताया गया है द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग द सिक्स कॉन्सिक्यूटिव ईयर. सिक्स कॉन्सिक्यूटिव ईयर मतलब छह सालों का कॉन्सिक्यूटिव, छह सालों का आपको यहाँ क्या दिया हुआ है स्कूल में एनरोलमेंट दिया हुआ है हमें सिक्स ईयर्स का. फाइन सो सिक्स ईयर का है सिक्स कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का एनरोलमेंट जो कि स्कूल में कराया गया है. फाइन तो एनरोलमेंट कुछ इस तरह से है जैसे कि आपको यहाँ ये गिवन है. फाइन तो वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ अ एनरोलमेंट फॉर दिस पीरियड. अब हमें इस पीरियड का एक एनरोलमेंट फाइंड आउट करना है, मतलब हमें यहाँ क्या करना है मीन फाइंड आउट करना है इस पीरियड के एनरोलमेंट का. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर सम करेंगे इन टोटल ईयर्स का. फाइन तो सबसे पहले मीन निकालने के लिए हमें सम जरूरी होता है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सम ऑफ सिक्स कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स आर सम करेंगे हम 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2840. फाइन सो सम हमें मिलेगा 1 2 3 4 8 इस तरह से हमें इसका सम मिलेगा. नाउ मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी फाइंड आउट करना होगा. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कैसे निकालते हैं 1 2 3 4 5 6. सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि कितने दिए हुए हैं हमें 6 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 6. सो अब हम निकालेंगे मीन एनरोलमेंट जैसे कि कैसे निकालेंगे हम इसे 1 2 3 4 8 इज डिवाइडेड 2058. सो लर्नर्स ये हो गया हमारा ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 द रेनफॉल इन एमएम इन अ सिटी ऑन अ 7 डे ऑफ सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड. फाइन सो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेनफॉल हो रही है सिटी में और उसका रिकॉर्ड जो है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है. मतलब वीक में जो रेनफॉल हो रही है आपके 7 डेज में जो रेनफॉल हो रही है उसका हमें रिकॉर्ड दिया हुआ है. जैसे कि देखिए डेज दिए हुए मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे. फाइन और रेनफॉल जो है वो कितनी कितनी हो रही है मतलब किस डे में कितनी हो रही है. मंडे में 0.0 ट्यूजडे में 12.2 एंड सिमिलरली इस तरह से संडे तक रेनफॉल कितनी हो रही है जो कि एमएम में काउंट हो रही है. फाइन तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है फाइंड द रेंज ऑफ आर रेनफॉल इन अबव डेटा. हमें इस डेटा से क्या फाइंड आउट करना है रेंज फाइंड आउट करनी है. उसके बाद सेकंड वन में लिखा हुआ है फाइंड द मीन. सिमिलरली जैसे हमने इससे पहले के क्वेश्चन में मीन फाइंड आउट किया था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सम ऑफ द टोटल डेटा इस तरह से हम मीन इसमें भी फाइंड आउट करेंगे. एंड द थर्ड वन ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल वॉज लेस देन मीन रेनफॉल. मतलब आपका जो मीन आएगा उससे कितने टाइम ये लेस देन होगी रेनफॉल मतलब कब कब रेनफॉल. सपोज दैट आपका मीन आ गया 5 तो यहाँ पर जो गिवन डेटा है 5 से कम कौन कौन सा डेटा 5 से कम है. सो उसे हमें काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो डेटा कम है हमारे मीन से. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइंड द रेंज ऑफ अ रेनफॉल इन अबव डेटा. सो रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा पहले हमें सारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट करना होगा और हाईएस्ट एंड लोएस्ट फाइंड आउट करने में उसके बाद में आपको उसमें डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा. तो सबसे पहले तो अरेंज करेंगे हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में. सो अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना हो डेटा तो क्या करेंगे हम 0.0 सबसे पहले आ रहा है एंड देन 0.0 फिर 1.0 उसके बाद में 2.1 देन 2.1 के बाद में 5.5 फिर 5.5 के बाद में 12.2 एंड देन 20.5. लर्नर्स ये हो गया अरेंज डेटा जो कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना था. अब हमें क्या करना होगा हाईएस्ट में से लोएस्ट को सबट्रैक्ट करना होगा ताकि हमारा रेंज फाइंड आउट हो. तो मैं यहाँ इसको सॉल्व कर रही हूँ
फर्स्ट नंबर डाल करके, फर्स्ट नंबर रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट 20.05 माइनस 0.0, दैट मीन्स ये आ गया 20.5. सो लर्नर्स, ये आ गया हमारा रेंज, देन फाइंड द मीन. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीन फाइंड आउट करना है. तो मीन के लिए मुझे सारा डेटा ऐड करना होगा. सो डेटा को ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसको सम करना होगा. 0.0 प्लस 0.0 प्लस 1.0 प्लस 2.1 प्लस 5.5 प्लस 12.2 प्लस 20.5 आ जाएगा 41.3. नाउ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ऑफ कोर्स क्योंकि हम 7 डेज का निकाल रहे हैं, ऑलरेडी मेंशन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि हमारे 7 है. तो अब मीन फाइंड आउट करेंगे हम. मीन इक्वल्स टू 41.3 इज डिवाइडेड बाय 7, दैट मीन 0.9. नाउ द लास्ट वन, थर्ड वन में क्या लिखा हुआ है? ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन. मतलब मीन से कम रेनफॉल कौन कौन से दिन में हुई है, वो कितने दिन है जब मीन से कम रेनफॉल हुई है. सो 5.9 से कम, मतलब 1, मैं इसे ऐसे पॉइंट आउट कर रही हूँ, 1, 12.2 इज ऑब्वियसली ग्रेटर, सो 2.1 इज स्मॉलर, 0.0, 20.5 इज ऑलरेडी ग्रेटर, 5.5 इज स्मॉलर एंड 1.0, दैट मीन्स हाउ मेनी डेज? 1, 2, 3, 4, 5, दैट मीन्स 5 डेज इसका आंसर है. सो थर्ड वन का आंसर जो है वो आएगा 5 डेज. सो लर्नर्स, इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वॉज मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर फॉलो. लर्नर्स, यहाँ हमें 10 लड़कियों की, 10 गर्ल्स की हाइट दी गई है जो कि सेंटीमीटर में है. सो लर्नर्स, हाइट कुछ इस तरह से है, 135, 150 एंड सिमिलरली सो ऑन. सो ये सेंटीमीटर में हमें हाइट दी गई है. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड? फर्स्ट वन, व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल? सबसे लंबी गर्ल की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. फिर उसके बाद में व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल? सबसे स्मॉलर गर्ल की हाइट क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है. देन द थर्ड वन, व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा? वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा. इसमें हमें रेंज निकालनी है. रेंज के लिए वही सेम क्राइटेरिया इससे पहले के जो क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया था. शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट दोनों में से हम क्या करेंगे, उन्हें डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. एंड देन हमें क्या फाइंड आउट करना है? फोर्थ वन, व्हाट इज द मीन? मीन क्या होगा, मतलब मीन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द टोटल हाइट एंड देन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. देन द फिफ्थ वन, हाउ मेनी गर्ल्स हैव द हाइट मोर देन मीन? मतलब मीन से ज्यादा जिनकी हाइट है वो कितनी लड़कियां हैं. सो सबसे पहले इस डेटा को मैं अरेंज करूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ रेंज निकालना है और मीन निकालना है. सबसे पहले मैं इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगी. सो सॉल्यूशन में अरेंज द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स इन असेंडिंग ऑर्डर. सो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करने के लिए वी हैव टू सर्च द स्मॉलर वन. सो व्हाट बी द स्मॉलर वन? आई थिंक 128 इज अ स्मॉलर वन. सो 128 एंड देन देयर वॉज एन 132. आफ्टर 132 देयर वॉज एन, आई थिंक देयर वॉज एन 135. आफ्टर दैट देयर वॉज एन 139. आफ्टर 139 देयर वॉज एन 141 एंड 141 के बाद 143 एंड 143 के बाद 146 एंड 146 के बाद में है यहां पर आपका 149 एंड 149 के बाद में आएगा 150 एंड देन 151. सो
ये है वो डेटा जो कि हमने कलेक्ट कर लिया, अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में. नाउ द हाइट ऑफ द टॉयलेट वाज इन 151. सो मैं यहाँ लिख रही हूँ उसका सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन डाल के मैं यहाँ ऐसे लिखती हूँ 151 इन अ सेंटीमीटर. नाउ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट वन इज 128. सो इट इज 128 इन सेंटीमीटर. Now what we have to find the range of data. So range निकालने के लिए हमें highest और shortest, मतलब आपका tallest और shortest, ये दोनों हमें चाहिए होगा. तो मैं यहाँ रेंज यहाँ निकाल ली हूँ इसकी सोल्यूशन में 151 सेंटीमीटर. Now what is the mean? अब mean find out करेंगे. मैं इसे यहाँ find out कर रही हूँ. सबसे पहले mean के लिए मुझे क्या करना होगा, टोटल करना होगा ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन का. सो 128 प्लस 132 प्लस 135 प्लस 139 प्लस 141 प्लस 143 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 150 प्लस 151 एंड इट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That means divided by 10. So, कितना आएगा ये टोटल? मैं यहाँ लिख रही हूँ 1414 and it is divided by 141.4. ये आ गया हमारा टोटल मीन. फाइन, मैं मीन यहाँ लिख रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो सॉल्यूशन में. यहाँ 141.4. सो लर्नर ये हो गया हमारा मीन. मैंने यहाँ सॉल्यूशन कर दिया इसका फोर्थ वन का. नाउ द लास्ट वन, हाउ मेनी गर्ल्स हैव द हाइट मोर देन द मीन, मतलब 141 से ज्यादा की हाइट कौन सी गर्ल्स की है. सो 141 से ज्यादा मतलब 128 इज नॉट वन, 132 इज नॉट एंड 135 इज ऑल्सो नॉट. आफ्टर 141 देयर वॉज एन 1, 2, 3, 4, 5. दैट मीन्स 5 गर्ल्स विच हैव द हाइट मोर देन द मीन, मतलब इसमें आएगा आपका फिफ्थ वन में 5 गर्ल्स. सॉल्यूशन में आएगा आपका 5 गर्ल्स. सो ये हो गया आपका ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9. आई होप आपको समझ में आया हो. अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो प्लीज कमेंट मी. थैंक यू.